हेलो दोस्तों, आप सबका रीना किचन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं उपमा की रेसिपी, और उपमा एक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है जो कि बहुत टेस्टी लगता है। अब तो वो पूरे इंडिया में ही पॉपुलर हो चुका है। तो ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता आपके साथ आज हम शेयर करेंगे बहुत ही सीक्रेट रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं उपमा बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही हेल्दी टेस्टी साउथ इंडियन नाश्ते की रेसिपी, और ये बनाएंगे सूजी के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं सूजी के उपमे की रेसिपी। और शुरू करते हैं ये रेसिपी, देखते हैं सबसे पहले इसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। तो चलिए, यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे सूजी, और सूजी हमने ली है आधे बाउल, यानी कि हमें सूजी का जो मेजरमेंट रखा है वो आधे बाउल रखा है। तो आधे बाउल सूजी जो है 2 से 3 लोगों के लिए उपमा बहुत हो जाता है नाश्ते में। हींग, देसी घी, तो इसे हम बनाने वाले हैं देसी घी के साथ। आप रिफाइन ऑयल के साथ भी इसे बना सकते हैं। धनिया की पत्तियाँ, करी लीव, एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च, 1 टमाटर मीडियम साइज़ का बारीक कट कर लिया है, जीरा, साबुत जीरा, नमक, आधी छोटी चम्मच चीनी, और यहाँ पे है अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ बहुत ही थोड़ी मात्रा में। इसके साथ हम लेंगे सरसों के दाने आधी छोटी चम्मच के करीब, और यहाँ पे है कच्ची मूंगफली और थोड़े से काजू। तो चलिए शुरू करते हैं सूजी के उपमे की हेल्दी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि उपमा को हम गर्म यानी कि गुनगुने पानी में बनाएंगे। अगर उपमा को आप ठंडे पानी में बनाएंगे तो वो चिपचिपा रहता है। खिला खिला उपमा बनाने के लिए, जिससे सूजी खिली खिली रहे, पानी को आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी मैंने 1 बाउल पानी लिया है, क्योंकि एक मैंने आधे बाउल के करीब इसी बाउल से सूजी ली है, तो 1 पूरा बाउल पानी लिया है और आधा और लूँगी, यानी कि 1.5 बाउल में इसमें पानी यूज़ करने वाली। 1 बाउल पहले पानी ले चुके हैं और आधा बाउल, तो यहाँ पर मैंने 1.5 बाउल पानी लिया है, जिससे कि पानी अच्छे से गुनगुना हो जाए, उबल जाए। तो अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ साइड वाली गैस पे, जिससे कि गर्म होता रहेगा साथ के साथ। और यहाँ पर हम रख लेते हैं कढ़ाई, टाइम की भी बचत होगी और जल्दी बन के तैयार हो जाएगा सूजी का उपमा। और कढ़ाई में अब हम सबसे पहले डाल देंगे देसी घी, क्योंकि हमें भूननी है सूजी, और सूजी भूनने के लिए हम देसी घी ले रहे हैं, और देसी घी में उपमा बहुत टेस्टी लगता है और सूजी का भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटी चम्मच जो है सूजी में देसी घी लिया है, और अब इसमें हम डालेंगे सूजी। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा तो अब यहाँ पर हम इसमें सूजी डाल देते हैं और इसे भून लेते हैं जब तक सूजी का कलर हल्का सा ब्राउनिश नहीं आ जाता, सूजी भूनने की खुशबू नहीं आने लगती। यहाँ पर सूजी लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी है और सूजी भुनने की खुशबू भी आ रही है। तो सूजी को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का सा ही ब्राउनिश करना है। तो सूजी को अब हम एक प्लेट में निकाल देंगे, और साइड में जो हमने पानी उबलने के लिए रखा था वो उबल चुका है, तो उसकी गैस भी बंद कर देते हैं और यहाँ निकाल लेते हैं सूजी को एक प्लेट में बाहर। और कढ़ाई में सूजी बाहर निकालने के बाद इसमें ही हम डाल देते हैं फिर से एक बार देसी घी 2 चम्मच। देसी घी मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जीरा आधी छोटी चम्मच और सरसों के दाने आधी छोटी चम्मच। इसके साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ, और इसके साथ करी लीव, प्याज, हरी मिर्च। और सभी चीज़ों को हमें हल्का सा फ्राई करना है, रोस्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है। प्याज को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत लाइट ब्राउन प्याज को हम फ्राई करेंगे। और जब प्याज हल्की सी फ्राई हो चुकी होंगी, उसके बाद ही हम इसमें मूंगफली जो कच्ची है और इन्हें हमें थोड़ा सा फ्राई करना है वो भी ऐड कर देंगे, और काजू,
इन्हें प्याज के साथ ही हम भून लेंगे। सभी चीज़ों के फ्राई होने के बाद अब इसमें हम डालेंगे आधा पिंच, एक पिंच के करीब हींग और टमाटर। टमाटर डालने के बाद टमाटर को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, वो आपके ऊपर चॉइस है। अगर आप सॉफ्ट चाहते हैं टमाटर तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें थोड़े से मोटे मोटे पीसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं उपमा में। तो टमाटर डालने के बाद अब हम यहाँ पर फाइनली इसमें नमक ऐड करेंगे। ये एक ऐसा नाश्ता है जिसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हम नमक डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच, बाद में टेस्ट करके लास्ट में ऐड कर देंगे अगर नमक कम या ज़्यादा है तो। यहाँ पर इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम मसाले चाहिए होते हैं उपमा बनाने के लिए। ये तो ये मिक्स हो चुका है नमक भी, और अब हम डाल देते हैं इसमें सूजी, जो हमने सूजी भुनी हुई है ये सूजी इसके अंदर डाल देंगे। पहले सूजी को मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे धीरे धीरे पानी, जो हमने पानी गरम करने के लिए रखा था, गरम पानी है। ठंडा पानी डालेंगे तो खिली खिली कम बनती है, अगर आप गरम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करेंगे। आधे बाउल के करीब सूजी है और यहाँ मैंने उसमें डाला है एक से डेढ़ बाउल पानी, और इसे चलाएंगे कंटिन्यू, क्योंकि सूजी है तो वो पानी पीने के बाद थोड़ी सी फूल जाएगी। ये देखिए गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और चलाते रहिए धीरे धीरे, और गाढ़ी होती चली जाएगी। उपमा परफेक्टली तैयार है। उसका कैसे पता चलता है? जब ये सूजी कॉर्नर्स छोड़ने लगेगी तब, यानी कि हमें समझ में आ जाएगा कि उपमा तैयार है। तो अभी ये कोनों पे चिपक रही है, यानी कि उपमा तैयार नहीं। तो उपमा जो है साइड्स के कॉर्नर्स छोड़ चुका है, लेकिन अभी भी इसे हमें और पकाना है। और जो एक लास्ट चीज़ हमारी रह गई है इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करना, वो है चीनी, और ये बहुत थोड़ी मात्रा में यूज़ करना है। इससे उपमा का जो टेस्ट फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत थोड़ी मात्रा में यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आपको अगर चीनी नहीं पसंद है तो आप इसे ऑप्शनल समझ के इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी में ऐड कर चुके हैं, और अब इसे फिर से हम 2 मिनट तक इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे। यहाँ पर तैयार हो चुका है सूजी का उपमा। ये देखिए अच्छे से ये तेल और किनारे दोनों छोड़ चुका है और बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली बन चुका है। तो सूजी के उपमे को लास्ट में 2-3 मिनट अच्छे से भूनिएगा ज़रूर, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और अब एंड में यहाँ पर हम, क्योंकि अच्छे से भुन चुका है उपमा, तैयार हो चुका है, तो गैस की फ्लेम यहाँ पर बंद करेंगे और उसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। गैस बंद हो चुकी है, हरा धनिया डाल चुके हैं, और अब इसकी फाइनली आपको करके दिखाते हैं एक प्लेटिंग टेस्टी हेल्दी और बहुत ही आसान नाश्ते की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसकी एक प्लेटिंग करके दिखाते हैं टेस्टी सा सूजी का उपमा। सूजी के बहुत तरीके के नाश्ते आपने खाए होंगे, सूजी के साथ बहुत सारे स्नैक तैयार होते हैं, लेकिन सूजी का जो ये नाश्ता है उपमा, ये बहुत टेस्टी होता है, साथ में हेल्दी होता है। इसमें बहुत कम मिर्च मसालों का यूज़ होता है, बनाना भी आसान है। तो वीकेंड्स हैं, छुट्टी टाइम है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। सूजी के उपमे की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको उपमे की ये रेसिपी पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए,
तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय बाय।